जिज्ञासा के माध्यम से खुशी लेट्स टीआरएस क्लिप्स हिंदी हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी दोस्तों तो उनका देहांत जब हो जाता है उसके बाद औरंगजेब इज वेरी हैप्पी क्योंकि अभी मैं मराठा साम्राज्य ले लूंगा hmm. अभी मैं दक्कन क्योंकि उसका बहुत बड़ा एंबिशन है मुझे दक्कन को किसी तरह से कंट्रोल करना है और कैप्चर करना है जी तो वो निकल पड़ता है दक्कन की तरफ और वो अगले साल दक्खन आ जाता है तो शिवाजी महाराज के जो लड़के हैं संभाजी महाराज वो नए छत्रपति हो चुके हैं मराठों के और उनके एक छोटे बेटे हैं राजा राम वो यंगर बेटे हैं वो भी हैं तो औरंगजेब दख्खन पर हमला करता है बहुत बड़ा सैन्य लेकर और मराठा उसे इस तरह से लड़ा देते हैं उसके सामने इस तरह से संघर्ष करते हैं रहा। रहा तो है उसके सरदार उसके मिलिट्री जनरल्स उसके घर के लोग भी बोल रहे हैं चलो अभी वापस उत्तर भारत में जाएंगे और आगरा में दिल्ली में जाएंगे वी वॉन्ट टू गो बैक होम हमको घर जाना है वापस वो तैयार नहीं रहता क्योंकि उसको दखन को किसी भी परिस्थिति में कैप्चर करना है कब्जा करना है उस पे और वो सक्सेस नहीं करता वो फेल हो जाता है और वहीं पे मरता है और दक्कन शा, में शायद उनकी लाइफ की एक स्ट्रेटेजिक गलती भी थी क्योंकि नॉर्थ से सिक एम्पायर भी अटैक कर रहा था मुगलों पर और वहां अटेंशन नहीं पे किया हां 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 हा। फिर हा, क्या हुआ? हुआ उसके बाद ऐसे होता है कि संभाजी को एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट मैं आपको बता दूं कि संभाजी को बहुत ही क्रूरता से औरंगजेब मार देता है जो शिवाजी महाराज के बेटे बेटे हैं वो उनके खिलाफ बहुत बड़े तरह से संघर्ष कर रहे हैं और मराठा सरेंडर नहीं हो रहे और संभाजी मराठों का नेतृत्व तो कर रहे बड़े ही धैर्य से बड़े ही करित से और बड़े ही फियरलेसली उनको फेस कर रहे हैं तो संभाजी को कैप्चर किया जाता है सिक्सटीन में और औरंगज़ेब हुक्म देता है कि उनकी आंखें निकाली जाए तो उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं बहुत ही क्रूरता से उनके हाथ तोड़े जाते हैं औरंगज़ेब हुक्म ऐसे करता है कि पूरे नगर में उनको घुमाया जाए कैदी के रूप में और लोगों को बताया जाए कि अगर औरंगज़ेब को कोई चैलेंज कर देता है तो उसका ये हाल हो जाता है तो संभाजी और उनके एक कॉलीग है एसोसिएट है कवि कलश नाम के उन दोनों को पूरे नगर में इस तरह से कैदी के रूप में घुमाया जाता है विथ हैंड्स इन चेन्स विद लेग्स इन चेन्स और पंद्रह दिन उनको टॉर्चर किया जाता है आंखें निकालना दूसरी तरह का टॉर्चर इस्लाम का स्वीकार करो इस तरह का इस तरह की धमकी और संभाजी बहुत ही धैर्य से हिम्मत से उसे ना कहते हैं कि मैं स्वीकार नहीं करूँगा और उनको टॉर्चर करके पंद्रह दिन में उनकी हत्या की जाती है उनको मार दिया जाता है बहुत ही एक क्रूर ताक की परिसीमा है औरंगजेब से औरंगजेब की तरफ से और उनका खून करने के बाद वो उससे भी वो संतुष्ट नहीं है औरंगज़ेब और लोगों को दिखाने के लिए उनका जो सर है संभाजी का उसमें वो स्ट्रॉ भर देता है और वो सर अलग करता है धड़ से और वो भी घुमाया जाता है पूरे नगर में दिखाने के लिए कि मराठों के राजा की मैंने ये हालत कर दी और संभाजी बिकम्स सा अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द मराठास क्योंकि मराठों को इतना दुख होता है कि हमारे छत्रपति के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया इस आदमी ने ऐसा किया छत्रपति के साथ हाँ और शिवाजी महाराज के बेटे के साथ और हमारा एक हिम्मत वाला नेता एक नेतृत्व इस तरह इस क्रूरता से मारा कि वो एकदम गुस्से से उभरते हैं और, औरंगजेब को इस प्रकार से उसके खिलाफ लड़ाई देते हैं कि औरंगजेब दखन में मर जाता है और वो यशस्वी नहीं होता है उसका एक कारण ये भी है वो मराठों का गुस्सा और उनका विल पावर उतना बढ़ जाता है कि वो बहुत ही गुस्से से उभर के आते हैं कि उन्हें ये ये जो हुआ है उसका बहुत गुस्सा है तो फिर आ, संभाजी के छोटे भाई राजा राम उनके स्टेप ब्रदर थे वो दूसरी माँ के लड़के थे लेकिन राजा राम लड़ाई देते हैं आ, उसके बाद आ, संभाजी के बेटे शाहू लड़ाई देते हैं राजा राम की पत्नी ताराबाई जो कोल्हापुर की है सातारा कोल्हापुर की वो बड़ी बहुत बड़ी लड़ाई देती है और मराठों की लड़ाई एक नया एक नए एनर्जी से उभर कर आती है और आ, शाहू फिर एक बालाजी विश्वनाथ नाम के ऑफिशियल है उनको उनके उनको पेशवा अपॉइंट करते हैं पेशवा का मतलब है प्रधानमंत्री और धीरे धीरे वो पेशवा अधिकाधिक सामर्थ्यवान हो जाता है एंड ही बिकम्स अ फैक्टर रूलर ऑफ द मराठास तो जो किंग uh, है छत्रपति है उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि शिवाजी महाराज के जो फैमिली है वो बैकग्राउंड में चली जाती है और ये पेशवा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज वेरी फ्यू ऑफ इज फैमिली मेंबर्स आर लेफ्ट एनीवे जो सक्सेस है जी। वो तो मोस्ट ऑफ देम हैिफाइस देव फॉट दे देव डाइड एंड देन पेशवास टेक ओवर एंड देन द मराठा साम्राज्य और भी बढ़ता है बाजीराव पेशवा दूसरा पेशवा है वो इतना बाजीराव वन वो इतना यशस्वी हो जाता है कि वो मराठों का राज पूरा भारत भर पूरे भारत भर लेकर जाता है और अलग अलग सरदार प्रस्थापित हो जाते हैं जैसे सिंधिया हो जाते हैं ग्वालियर में नागपुर में भोसले हो जाते हैं बरोड़ा में गायकवाड़ हो जाते हैं दूसरी जगह दूसरे लोग हो जाते हैं और फिर वो अपना अपना साम्राज्य निर्माण करते हैं उसका एक आ, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है कि खुद का साम्राज्य होने हो जाने से अंतर्गत लड़ाई भी बहुत शुरू जा हो जाती है हर सरदार के अपने फीवडम शुरू हो जाती है और मराठा साम्राज्य मजबूत होकर भी आ, इन अंतर्गत वादों के वजह से वजह से अंतर्गत संघर्षों के वजह से धीरे धीरे अपनी यश के शिखर पर पहुंचने के बाद अटक तो तक, तक पहुंचने के बाद बंगाल के बाद पहुंचने के बाद धीरे-धीरे से फेड अवे इट स्टार्ट फीडिंग अवे और ब्रिटिश भी आ जाते हैं विद देर सुपीरियर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड विद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश फाइनली टेकओवर एंड क्लाइमैक्स सॉरी एंड आया एंड मराठा एम्पायर एक्चुअली कोलेप्सली इन एटीन एटीन दोस्तों टी आर एस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द